एक रीजन तक ही रिस्ट्रिक्टेड थे, कंस्ट्रेंट था उनके पास कि जम्मू के ही बच्चे जो हैं वही आ रहे हैं, जो फारफ्लंग से रिमोट एरियाज के बच्चे हैं वो हमारे पास आ नहीं पा रहे थे। जो रॉ टैलेंट की मैं बात करूं, जिसको हम और निखार सकते हैं, पुंछ का है जैसे मैंने आपको बताया कश्मीर में, अनंतनाग का है, वो रॉ टैलेंट को हम किस तरह से और ग्रूम कर सके, उन बच्चों को जिनको पता है क्रिकेट क्या होता है बट उनको ये नहीं पता है वो बॉल क्या डालते हैं, उनको ऐसे कोचेज हमने यहाँ पर दिए हैं जो उनको एटलीस्ट ये बता पा रहे हैं कि ये उनका प्लस पॉइंट है और ये बॉल अगर वो करते हैं तो ये उनको आगे जाकर उनके करियर में हेल्प करेगा, और वो बच्चे आगे जाके हमारा टैलेंट पूल बनेंगे। जो आप मकसद पूछ रहे हो, ये टैलेंट पूल हमें आगे आने वाले एक साल में, अगर कुछ 6 बच्चे अंडर 19 से निकलते भी हैं, हमारे पास 20 बच्चे और तैयार होंगे जो अंडर 19 का गैप फिल करें। अगर हम जम्मू कश्मीर का पहले कल्चर देख ले तो यहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर था ही नहीं, और क्रिकेट में इतने फैसिलिटीज़ अगर हम पहले देखें तो मिलती नहीं थी गर्ल्स को। अभी फ़ायदा यह है कि रेगुलर प्रैक्टिस और टैलेंटेड, मतलब नया टैलेंट निकल के आ रहा है, जैसे कि नाम है हमारे अभी जो मैचेस हो रहे हैं टैलेंट हंट 2022, तो नया टैलेंट की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स फार फ्लंग एरिया से जो बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इससे क्या हमारे JNK की स्टेट की एक अच्छी टीम बनेगी और फर्दर इसी में से बच्चे जाएंगे जो नेशनल्स के लिए, जो इंडिया के लिए खेलेंगे। बेसिकली तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि जितने हमें मैचेस मिलेंगे उतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस होता है कि हम कैसा खेलते हैं वगैरह वगैरह, और हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर अभी वुमेंस क्रिकेट को मिलना शुरू हो गया है क्योंकि बहुत हर जगह में ट्रायल कंडक्ट हो रहे हैं और लड़कियां हर जगह से आ रही हैं और हमें भी खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है।